वहीं राजस्थान के टोंक में पुलिस ने बिजली विभाग का सामान चोरी करने वाली गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने बरौनी थाने के सामने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक ट्रक को रुकवाकर चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में हाई टेंशन लाइन के तार, ट्रांसफार्मर, लोहे के एंगल जब्त किए। आपको बता दें, पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। एक हमारे मुखबिर खास से सूचना लगी थी कि एक कैंटर ट्रक, कैंटर टाइप का जो ट्रक आता है वो कोटा की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहा है, जिसमें कुछ अवैध माल भरा हुआ है, जिसको हमने मुखबिर खास की सूचना से जाते ही मदद से थाने के सामने रुकवाया उसको। और उसको दो व्यक्ति उसमें सवार थे, एक ड्राइवर, एक खल्लासी सैकुल और अरमान नाम के, अलवर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अलवर के रहने वाले हैं, वो मिले हुए हैं। और दोनों से जब गहन पूछताछ की गई तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। और उन्होंने जो बिल पेश किए, जो ट्रक में सामान भरा हुआ था उसके बिल पेश किए, उसमें और सामान में और दोनों आरोपियों से पूछताछ में तीनों बातों में डिफरेंस आने पर गाड़ी को अच्छे से चेक किया गया, तो उसमें विद्युत विभाग का ऐसा सामान था जो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था और इम्प्लीमेंट किया जाना था उससे पहले ही ये कहीं से चोरी होना प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया।